आज का हमारा टॉपिक क्या है, एसिडिक इनहिबिशन ऑफ फ्रेगरेंस। देखो ये टॉपिक के एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, एसिडिक नेचर के क्वेश्चंस में, बेसिक नेचर के क्वेश्चंस में, बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चंस में, बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चंस में, हर जगह यूज होता है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इसको आइडेंटिफाई करने में। आइडेंटिफाई कर अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपका आंसर गलत हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसको आइडेंटिफाई कैसे कर दें, ठीक है। तो एसिडिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस को आइडेंटिफाई करने का कंडीशन क्या है, तीन कंडीशन अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए तो आप इसको पहचान सकते हो। पहला, आपके पास बेंजीन रिंग होना चाहिए, ठीक है। और जो बेंजीन रिंग होना चाहिए वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, अब इसमें एक मैं वर्ड बोलूंगा, जो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि दो यहाँ पे ऐड कर दिया और एक यहाँ पे कर दिया तो ये भी ट्राई लिखा है, उसमें नहीं होगा, ठीक है। तीनों ही एडजेसेंट पोजिशन पे होनी चाहिए। ये तीन, कोई भी तीन ले लो, आप यहाँ ले लो, आप ये तीन ले लो, आप ये तीन ले लो, कोई भी तीन लो, लेकिन आपके तीन कंटिन्यूअस होने चाहिए। और जो सेंट्रल ग्रुप होने चाहिए वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में, वो जैसे यहाँ पे ये सेंट्रल ग्रुप है, ये बल्कि होना चाहिए, ठीक है। अब उसका भी केस है, कौन कौन सा होता है, तो जी में कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, सल्फोनिक एसिड आएगा, NR2 आएगा, NO2 आएगा, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, इनके केस में आप एस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर आपका ये प्रीवियस दो कंडीशन फुलफिल होता है तो। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेप्शनल है, उसके केस में अगर ट्राई सब्स्टिट्यूट नहीं, डाई सब्स्टिट्यूट होने से भी, मतलब G1 G2 में से कोई गायब भी है तब भी हो जाएगा, लेकिन बाकी सबके केस में तीन हमें चाहिए, ठीक है। तो ये था ग्रुप जिनमें होता है, और ये वो ग्रुप है जिनमें ये इफेक्ट नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है, इनका जो साइज है वो स्मॉल है, साइज स्मॉल है, इसलिए OH, फ्लोरीन, NH2, OCH3, CN ये सब नहीं दिखलाता, ठीक है। आपको मैं कुछ एग्जांपल्स कराता हूँ कि कौन से केस में आप आइडेंटिफाई करते हो, कौन से केस में आइडेंटिफाई नहीं करते हो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच कंपाउंड शो एस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का दोनों ही ऑर्थो पोजिशन पे ऑक्यूपाइड है, मतलब ये कंडीशन कर रहा है, बेंजीन रिंग, ड्राई सब्स्टिट्यूटेड, सेंट्रल ग्रुप बल्कि है, मतलब यहाँ होगा, यहाँ पे NR2 आ गया ये भी होगा, यहाँ पे NO2 आ गया ये भी होगा, फोर्थ OH है यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे NH2 है नहीं होगा, यहाँ पे SO3H है यहाँ पे होगा। अब देखो यहाँ पे NO2 है लेकिन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में कंटिन्यूस नहीं है, मतलब यहाँ नहीं होगा, यहाँ CN स्मॉल साइज है नहीं होगा, यहाँ पे NO2 तो लगा हुआ है लेकिन ट्राई सब्स्टिट्यूट कहीं और है और बीच में CN है, तो ये इफेक्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो आपके पास क्या होना चाहिए, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, बेंजीनिंग होना चाहिए, कंटिन्यूस ट्राई होना चाहिए, और सेंट्रल ग्रुप क्या होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए, ठीक है। आप उसके एप्लीकेशन पे चलते हैं। पहला एप्लीकेशन है कि मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना, ठीक है, मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना। तो फर्स्ट केस देखो, ये CO2H है, अब इसके ऊपर कोई बोलेगा इस NO2 का क्या इफेक्ट लगेगा, तो ये NO2 यहाँ पे एस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस दिखलाएगा, मतलब यहाँ से ये -M नहीं लगा सकता, क्या लगाएगा, -I लगाएगा, और ये CN क्या लगाएगा, इस पे तो एस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस होगा नहीं, तो ये क्या लगाएगा, -M लगाएगा, तो -M वाला क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन पे चलते हैं। आप देखो एस्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस जो है वो ऑर्थो इफेक्ट का बड़ा भाई बोल सकते हो, उसमें क्या था एक पोजिशन। अब देखो यहाँ पे जितना ज्यादा ऑर्थो पोजिशन ग्रुप आएगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा, तो यहाँ पे एस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस देख लेंगे, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट देख लेंगे, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, A > B > C। अब थर्ड क्वेश्चन में अब इफेक्ट देखते हैं, NO2 यहाँ पे क्या लगाएगा, लगाने के लिए अपना -M लगाएगा, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड पे क्या चलेगा, एस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, तो यहाँ पे तो रेजोनेंस होगा नहीं, मतलब यहाँ से -I देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से भी हम क्या देखेंगे, -I देखेंगे, और साथ में यहाँ पे और कौन सा इफेक्ट चलेगा, ऑर्थो इफेक्ट भी चलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, और यहाँ पे क्या चलेगा, -M चलेगा। अब देखो यहाँ पे ऑर्थो है, यहाँ पे ऑर्थो नहीं है, तो -I में कौन ज्यादा होगा, ये वाला ज्यादा होगा, और जो ऑर्थो इफेक्ट है उन सारे इफेक्ट पे डोमिनेंट करता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, ए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे बेंजीन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच का रेजोनेंस नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एसिडिक नेचर बढ़ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, अगर इन दोनों के बीच का रेजोनेंस ब्रेक हो जाए, बाकी कहीं पे भी रेजोनेंस ब्रेक नहीं हो रहा है तो इन दोनों से तो ज्यादा ही होगा।
अब बच गया इसमें तो माइनस आई लग रहा है और इसमें क्या लग रहा है, माइनस एम लग रहा है। यहाँ पे माइनस आई क्यों लग रहा है, बिकॉज ये ट्राई सब्स्टिट्यूट हो गया, देख रहे हो ट्राई सब्स्टिट्यूट हो गया। तो ए के बाद क्या आएगा, सी, सी के बाद क्या आएगा, डी। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में फिर से एसिडिक नेचर ही पता करना है। अब देखो यहां से ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई, क्यों, बिकॉज यहाँ पे स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस आएगा, और यहाँ से क्या लगाएगा, प्लस एम। कौन ज्यादा एसिडिक होगा, प्लस आई वाला, बिकॉज प्लस एम डिक्रीज करता है और ये भी डिक्रीज करता है, लेकिन प्लस एम ज्यादा डिक्रीज करता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब इसका सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ में हमें क्या करना है, देखो हमें इस नाइट्रोजन के लोन पेयर का बेसिक नेचर देखना है। अब इफेक्ट देखते हैं, एनओ टू क्या लगाएगा, माइनस आई, और ये एनओ टू क्या लगाएगा, अब एन एस टू खुद तो लगाता नहीं है, खुद तो नहीं लगा पाता ना, ये स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस स्मॉल ग्रुप है, तो एनओ टू क्या लगाएगा यहाँ से, माइनस आई, और एनओ टू यहाँ से क्या लगाएगा, माइनस एम। दोनों ही डिक्रीज करता है, ज्यादा डिक्रीज कौन करता है, माइनस एम, मतलब ए वाला ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखो यहाँ पे क्या लगेगा, एस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, क्यों लग रहा है, बिकॉज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसका लोन पेयर अब डीलोकलाइज्ड नहीं हो सकता, बट यहाँ पे इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होगा, क्यों होगा, बिकॉज ये नहीं दिखाता एस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, तो ये डीलोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड है, और ये वाला जो है वो लोकलाइज्ड है, तो कौन ज्यादा बेसिक होगा, जो लोकलाइज्ड होगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखो यहाँ पे इतने सारे हैं, अब इफेक्ट आइडेंटिफाई करता है, यहाँ पे कौन सा, एस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, मतलब ये लोकलाइज्ड के कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे ये क्या लगाएगा, एस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस है, लेकिन ये माइनस आई लगाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। वैसे यहाँ पे ये डीलोकलाइज्ड है और ये क्या लगाएगा, माइनस एम। यहाँ पे ये डीलोकलाइज्ड है, ठीक है, और यहाँ पे भी ये डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, ए, जो लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड बेसिस आर मोर बेसिक देन डीलोकलाइज्ड, ठीक है। माइनस आई माइनस एम तो डिक्रीज करता है, तो बाद में आएगा, पहले इन दो में कंपेयर कर लेते हैं डी और ई में। अब देखो एनआर टू में आर का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इस आर का क्या लगेगा, प्लस आई लगेगा, तो एन एस टू से ज्यादा होगा, तो ए के बाद क्या आएगा, डी, डी के बाद क्या आएगा, ई। अब बच गया इन दोनों में, तो माइनस एम ज्यादा डिक्रीज करता है, तो फिर क्या आएगा, माइनस आई वाला आएगा, बी, और ग्रेटर देन सी, ये उसका आंसर होगा। ठीक है, तो दो एप्लीकेशन हमने देखा, एसिडिक ऑर्डर का और बेसिक ऑर्डर का। अब देखते हैं बॉन्ड लेंथ को कैसे कंपेयर करते हैं, ये थर्ड एप्लीकेशन है इसका। अब देखो यहाँ पे इस बॉन्ड और इस बॉन्ड को कंपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, एस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, मतलब यहाँ पे ये अगर रेजोनेंस होता तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ से एक बॉन्ड आता ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता, ऐसा होगा नहीं, बट यहाँ पे तो ऐसा होगा, यहाँ से एक बॉन्ड टूट के यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ठीक है। इस पोजीशन पे रेजोनेंस होगा, बट इस पोजीशन पे रेजोनेंस ये नहीं होने वाला है, ठीक है। तो रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रह जाएगा। इसके कारण क्या होगा, जो सिंगल बॉन्ड लेंथ वाले का बॉन्ड जो होगा उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, तो हम ऐसा बोलेंगे बॉन्ड लेंथ ए ग्रेटर देन बी, और अगर कोई बोलेगा बॉन्ड ऑर्डर तो बोलेंगे बी ग्रेटर देन ए। क्लियर है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा तो सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से ए और बी को कंपेयर करना है, कंपेयर बॉन्ड लेंथ बिटवीन ए एंड बी। अब देखो इस वाले पोजीशन पे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस लगेगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है,
ठीक है, और यहाँ पे है नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा, होगा ना। तो रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फिर से पार्शियल डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, सिंगल बॉन्ड। क्लियर है, जहां पे रेजोनेंस नहीं होगा वो सिंगल ही रह जाएगा, जहां रेजोनेंस होगा वो पार्शियल डबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन था बॉन्ड लेंथ। अब मैं पहले बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लेता हूँ, कौन सा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा जहां पार्शियल डबल है। तो बॉन्ड ऑर्डर ए ग्रेटर देन बी हो गया, तो बॉन्ड लेंथ क्या बोलेंगे, बी ग्रेटर देन ए, उल्टा हो जाएगा। उसका था कंपेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग एक्स एंड वाई, किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। अब देखो यहाँ पे ये लोन पेयर इधर तो जाएगा, ये जाएगा, बट ये लोन पेयर इस डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, बिकॉज यहाँ पे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस है, तो ये वाला इसको जाने नहीं देगा, तो मतलब यहाँ पे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। ठीक है, अब कोई बोलेगा CH3 CH3, तो ठीक है प्लस एच लगेगा, और ये क्या लगेगा, प्लस एम ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो ये वाला जो पॉसिबिलिटी है ये आपको ज्यादा होगा। तो ये वाला जो डोनेट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो, तो यहाँ इस रिंग में इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स ग्रेटर देन वाई। ठीक है, तो हम लोगों ने तीन एप्लीकेशन देखा, एसिडिक, बेसिक और बॉन्ड ऑर्डर, और आप कंपेयर कर सकते हो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज को। ठीक है, थैंक यू।